वोट फॉर अगर उनको नाम पे ही वोट चाहिए तो इस समय मोदी जी के काम के पीछे ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है, राहुल गांधी के बदले राहुल मोदी रख ले, मोदी लगा के उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रख लीजिए, सबसे बढ़िया वोट मिल जाएंगे। अगर वोट के चक्कर में उनको अपने बाहुबलियों के नाम चलते थे, मिट गए ना, डर रहे ना, काला जी काला पानी हो रही है सबको, है ना, कबूतर बन रहे हैं ना सब, तो तुम हम भाई इंडिया नाम क्यों ले रहे हो फिर देश तो हमारा जीता है हमेशा से, लेकिन INDIA ये नहीं जीतेगा, इंडिया है, NDA जीतेगा, इंडिया नाम रख लेने से थोड़ी हो जाएगा, पक्ष खुद का नहीं नहीं नाम रख लेने से थोड़ी हो जाएगा। अंकल कितनी उम्र है आपकी, कितनी उम्र? हम हूँ 65 साल का, कांग्रेस में हमें बहुत 65 साल में आपको कौन सी सरकार सबसे अच्छी लगी? हमें तो कांग्रेस सही थी, अभी 2000 नोट बंद, वो नोटबंदी हो गई, ये आधार कार्ड बनाओ, पिन कार्ड बनाओ, दुनिया का फायदा कहीं क्या हमें बताओ, वो बेवकूफ़ बनाना धंधे वाली फॉरेन बच्चों के भरा लेंगे, कैंसिल हो गई एजेंसी का कैंसिल है। मोदी सरकार ने बहुत काम किए हैं, देखिए पेंशन के लिए भी बहुत काम, हमारी तो पेंशन नहीं दुनिया को बंधी, हमने 20 बार तो कागज दौड़े दौड़े गए, 200 बार गए बिलाग प्रमुख सप्तन, आज तक नहीं बंधी, तो हम क्या जाने ये रब होता। कांग्रेस सरकार में क्या अच्छा लगा आपको? अब महंगाई कितनी, पहले 100 रुपये किलो डीजल है, 100 रुपये लीटर है, सिलेंडर 400 का रहा, 1200 का बिक रहा है, DAP आती थी 400 की 500 की, वो 2000 में हुई ब्लैक में लो, वो भी नहीं मिलती, वो भी 5 किलो उसमें कम कर दी, 50 की थी या 45 की हो गई, क्या हमें अच्छा, हमें तो अच्छा, महंगाई बढ़ी है, आमदनी भी बढ़ी है लोगों की, देखिए क्या आमदनी बढ़ी, क्या आमदनी बढ़ी, हमें आमदनी भी बढ़ी है लोगों की, क्या बढ़ी, काम धंधे हैं नहीं, फैक्ट्रियाँ गरीब आदमी काम नहीं, मारे घूमने जो फैक्ट्री में ताला लगा, क्या काम है हमें बताओ, आमदनी बढ़ी है सर, बढ़ी है जो नौकरी की बढ़ी है, प्राइवेट वाले कहाँ बढ़ी, प्राइवेट हर किसी के बढ़ी है आमदनी बढ़ी है, जो मेहनत कर रहा है उनको भी बढ़ी है, जाए अंकल का कहना है कि आमदनी नहीं बढ़ी है, महंगाई लगातार, महंगाई भी बढ़ी है लेकिन आमदनी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, लॉकडाउन में तो 6000 दे रहा, 3000 दे रहा था, तो 15000 थे, 8000 दिए, वो भी 2000 कम दे, जहाँ कांग्रेस सरकार, जहाँ जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार है वहाँ महंगाई है या नहीं? महंगाई छपता है, जो महंगाई तो केंद्र से होगी, केंद्र सरकार करेगी सब, जो कर सकती है और कौन करेगा, केंद्र महंगाई सत्ता ही कर सकती, डीजल क्या राजस्थान जैसे हालात हो जाए सब फ्री में कर दिया जाए, फ्री में नहीं किया जाए, अब 5 किलो गल्ला मिलता है उसमें क्या खा लेगा आदमी, एक बेवकूफ़ बनाने की बात है, अनाज किसान 50 रुपये किलो का, 100 रुपये किलो बीज बोता है, बीज 100 रुपये में बोता है, गाय सन्नाश हो रही, गौशाला का इंतजाम है कुछ है तो सरकार उनको प्रधान हो, पुलिस शासन DM गवर्नमेंट करेगी ना करेगी, उसका कुछ है नहीं, इंडिया जिताओगे क्या चीज, इंडिया भाई इंडिया नाम क्यों ले रहे हो फिर देश तो हमारा जीता है हमेशा से, लेकिन INDIA ये नहीं जीतेगा, इंडिया है, NDA जीतेगा, इंडिया नाम रख लेने से थोड़ी हो जाएगा, पक्ष खुद का नहीं नाम रख लेने से थोड़ी हो जाएगा, जी भी कहे थे कि वोट फॉर इंडिया, मैं बोलता रहा हूँ अगर वोट ना मिले तो इंडिया रख लो, है ना, काम करें देश का, वोट के लिए देश का नाम रखना गलत है, ये चीज आप भी जानते हैं, वोट के लिए देश का नाम रखना गलत है, और ये राहुल जी को अपना वैसे तो पार्टी का नाम चेंज करना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए, कुछ भी हो इनका, वैसे कांग्रेस है वो इनका, गठबंधन सरकार का क्या नाम, गठबंधन सरकार का कुछ भी नाम हो बट ये इंडिया नाम नहीं होना चाहिए, INDIA ये नहीं, दिक्कत होगी इंडिया नाम से, दिक्कत है, देश का नाम सिर्फ अपने आर्थिक मुद्दों के लिए लिया जाए तो बेकार है, ये चीज बेकार, इंडिया शामिल है, देखिए विपक्ष की पार्टियां सारी शामिल है, ऐसा कुछ नहीं है, NDA आएगा और आगे रहेगा, बीजेपी सरकार को दिक्कत कहाँ दिक्कत हो गई है, बीजेपी को नहीं पूरे जनता को दिक्कत है इससे, देश का नाम कैसे कोई रख लेगा अपनी पार्टी का, मोदी जी भी तो कहते थे स्किल इंडिया, देखिए जीतेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, वोट फॉर, अगर उनको नाम पे ही वोट चाहिए तो इस समय मोदी जी के काम के पीछे ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है, राहुल गांधी के बदले राहुल मोदी रख ले, मोदी लगा के उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रख लीजिए, सबसे बढ़िया वोट मिल जाएंगे, अगर वोट के चक्कर में उनको अपने देश का नाम रखना है तो, मोदी जी के सरनेम से वोट मिलते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, उनका इस समय काम बिक रहा है, मैंने बोला ना उन्होंने काम करा है, काम करा है, काम बिकता है, जो मैंने अभी आपके सामने बोला, मुझे तो मेरी तो सफलता हो तो हम जानू अच्छी सरकार है, 20 बार मैं गया हूँ,
टिकट में लाइन लगती है, नारकों को छूट थी, कहाँ छूट है, क्या फायदा हमें बताओ। जानवर किसान परेशान है, 100 रुपये किलो, 5 किलो गल्ला में दे के क्या हो जाएगा, वो गल्ला बंद करें नारके वहाँ, वो नरेला का वो दुनिया भर पैसा देते, क्यों देते। किसको लाएंगे 24 में, किसको लाएंगे आप? अब जिसको जनता चाहेगी, हम कह दूं मोदी को। किसको लाएंगे? केजरीवाल को। केजरीवाल को बता दे, केजरीवाल हमें केसरीवाल नहीं आएंगे। केजरीवाल को पता क्यों लाना जा रहा है? स्विमिंग पूल में फ्री में नहाने को मिलेगा। अभी तो केजरीवाल सरकार का नहाने को बुरी, ऑटो वालों की सरकार चलेगी यहाँ, बाकी ऑटो वालों की चलती है यहाँ। अभी गाड़ी वाले ना, प्राइवेट गाड़ी वाले भी ऑटो वाले की हुंडई से डरते हैं, क्योंकि ऑटो वाला पता क्या करता है, अगला पहिया ऐसे देता है, केजरीवाल की सरकार है, सब वोट केजरीवाल की, ऑटो वाले की है। जो सीधी बात है, बाबा की सरकार आएगी दिल्ली सुधर जाएगी, यहाँ बाबा को बुला लो दिल्ली ना सुधर जाए बात रही। लोग तो कह रहे तुम्हें ट्रैफिक मिल जाए, 5 साल तुम बाबा को यहाँ ला दो और ट्रैफिक मिल जाए और गुंडई मिल जाए तो बात रही। योगी मोदी बात रही, यूपी में नहीं है, है यूपी में, यूपी में कहाँ गुंडई, अभी कावर थी, कावर में दिल्ली वाले लोग, अरे सुनो ले लियो क्या दिक्कत, यूपी में तो बहुत बहुत पहलवान खड़े हैं। कौन से पहलवान? बड़ा पहलवान कोई है भी ना। कौन सा पहलवान? योगी, योगी जी पहलवान बहुत बड़े, उनका नाम सुनते से बंदा डर जाता है, बोलने को तो बड़ी दूर बात है। भाई बाहुबलियों के नाम चलते थे, मिट गए ना, मिट गए ना, डर रहे ना, काला जी काला पानी हो रही है सबको, है ना, कबूतर बन रहे हैं ना सब, तो तुम ही तो शेप है। अभी हमने यार प्लॉट खरीदा मैंने 12 लाख रुपए का, उसमें मकान बनाया, पीछे से एक बाबू जी आए गांड पे घोड़ा धर, सॉरी घोड़ा धरा, वो हमारा खत्म हो गया। मैंने पूरी जीवन मेहनत करी और मैं पानी में बह गया, तो क्या फायदा मेरा मेहनत करने का जीवन में, तो जीवन में बाबा देख रहे हैं। डबल इंजन सरकार, मेरी मेहनत का फल मिलना चाहिए ना मेरे को, मिलना। डबल इंजन सरकार फेल होती नजर आ रही, देखिए मणिपुर को लेकर, वो मणिपुर था, ये यूपी, ये बुलंदशहर, ये सॉरी बुलंदशहर है, बाबा यहाँ से नहीं जाएगा। और मैं इतनी बोल के जा रहा हूँ, 2049 तक की गारंटी दे के जा रहा हूँ कि यूपी में से बाबा नहीं जाएगा, लिख लो। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? है मोदी, मोदी सर है यार, अपने दादा है, बावा है, बाबा का अंगोचा है, सब कुछ है। हम तो दिल्ली से हैं। दिल्ली में किसकी सरकार? केजरीवाल की सरकार। लोग कह रहे प्रधानमंत्री भी केजरीवाल होना चाहिए। पहले तो सांसद में आए, लोकसभा का चुनाव जीते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री बनेंगे। विधानसभा का जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बनता। हाँ, पहले उनको जो है सांसद बनाएं, उसके बाद अपना बहुमत साबित करें जो है। इतनी बड़ी पार्टी कहाँ से जो है वो प्रधानमंत्री बन जाएगी? पढ़े लिखे नेता का होना जरूरी है। देखिए क्या हुआ, पढ़े लिखे नेता का होना जरूरी है। मोदी से ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है? हाँ, कहाँ डिग्री नहीं दिखाई विपक्ष, बिना डिग्री के USA और रूस के प्रधानमंत्री उनको सीने में लगा रहे हैं। चले जाते केजरीवाल भी, अभी तक कोई क्यों नहीं गया? मोदी भर क्यों गया? जवाहरलाल नेहरू भी गए, आए तो छोटा मोटा काम है। मोदी के सामने कोई काम बड़ा नहीं है। कांग्रेस गया तो छोटा मोटा काम, कांग्रेस तो जाता ही नहीं, तो जाने गलती से चला गया होगा, किसी ने टिकट बनवा दिया होगा, जबरदस्ती भेज दिया होगा। मोदी तो खुल के गया कि मैं जा रहा हूँ, पीछे से धक्का आया था, छाती ठोक कर नू गया भाई। कस्टम अधिकारी थे, सुना भले, कस्टम अधिकारी थे, योग्य थे, लेकिन वो दूसरे के ऊपर हमेशा थोपते रहे। जमुना जी बढ़ी, बीजेपी का ये सब खेल है, बीजेपी ने वहाँ बांध डलवा दिया, यहाँ से सिविल लाइन तक पूरा आज पानी के लिए लोग परेशान है। उनसे योग्य कोई है नहीं है, लेकिन उन्होंने ढाई लाख रुपए की तनख्वाह छोड़ के आज ये नौकरी कर रहा है, ये गलत क्या बात है? केजरीवाल जो कर रहे हैं दिल्ली में अच्छा है या नहीं? अच्छा कर रहे हैं, बाढ़ आ रही है, अच्छा है, ये गलत है, ये गलत है, ये किलो का शहर बना दिया, ये गलत है। पता नहीं उनकी झोपड़ियों का पता नहीं कहाँ बह गई हैं। वो मथुरा और वृंदावन वहाँ झोपड़ियाँ उनकी बह रही हैं, उनको रहने का ठिकाना नहीं। ये गलत है जो केजरीवाल ने करा, ये गलत है। वादा जो किया वो पूरा किया ना? नहीं किया,